दोस्तों, आज की कहानी है भाभी। आपको मेरा आना इतना ही खलता है तो मैं अब से नहीं आऊँगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुँच सके हर नया वीडियो। माँ, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी। यदि भैया भाभी को मेरा आना इतना ही बुरा लगता है तो मैं सिर्फ तुमसे मिलकर ही चली जाया करूँगी। क्यों राखी बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तुम इतना नाराज हो रही हो? नहीं माँ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, परंतु मैं कितने सालों से देख रही हूँ, जब कभी मैं छुट्टियों में या त्यौहार पर 2-4 दिनों के लिए आती हूँ तो भाभी अपने घर चली जाती है। कभी भी ये नहीं सोचती कि मुझ पर क्या बीतती होगी। ससुराल में तो पूरा दिन काम करके ही बीत जाता है। सोचा था यहाँ पर 2-4 दिन आराम से आपके और भाभी के साथ रहूँगी, पर यहाँ भी वही जिम्मेदारी। राखी की बात सुनकर निर्मला का चेहरा उतर गया। सही ही तो कह रही थी राखी। उसकी भाभी मोनिका ने कभी भी अपनी सास और ननद का सम्मान नहीं किया। जब भी मन करता था अपने मायके चली जाती थी, वह भी निर्मला से बगैर पूछे। उसका बेटा अजय भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता था, परंतु अब तो राखी की शादी हो चुकी थी, अब तो उसे सुधर जाना चाहिए था। राखी सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही मायके आई थी, वह भी पूरे 1 वर्ष के बाद। मोनिका ने उसका हाल साल भी नहीं पूछा और झट से तैयार होकर अपने मायके चली गई। परंतु अब की बार निर्मला ने मोनिका को सबक सिखाने का निर्णय ले लिया था। उसने मोनिका की मम्मी के पास फोन मिलाया। मोनिका की मम्मी ने फोन उठाया और वह सावधान से दुआ सलाम करने के बाद सबका हाल चाल पूछने लगी तो निर्मला रुआसी सी होकर मोनिका की मम्मी से बोली, एक बात बताओ, क्या आपकी बहू भी मोनिका के साथ ऐसा ही व्यवहार करती हैं जैसा मोनिका मेरी बेटी राखी के साथ करती हैं? जब कभी भी राखी 2-4 दिन के लिए मायके आती हैं तो तुरंत अपने मायके चली जाती है, कभी ये भी नहीं सोचती उसके ऐसा करने से हमें कितना दुख होता होगा। मैं कभी इसे मायके जाने से रोकती हूँ तो ये मेरे से तकरार करती है। ये सुनकर मोनिका की मम्मी बड़ी दुखी हुई। वह निर्मला जी से बोली, मैं तो समझती थी कि ये आपकी सहमति से ही यह आती होगी, मुझे नहीं पता था कि आपके मना करने से ये आपके साथ तकरार करती हैं। ऐसा करने से तो ननन भावस के रिश्तों में हमेशा के लिए दरार पड़ जाएगी। समझन जी, आप परेशान मत हो, अब की बार मैं उसे ऐसा सबक सिखा दूंगी कि वह फिर आपसे तकरार नहीं करेगी। आज वह ऐसा आपके साथ कर रही है तो कल को मेरी बहू भी उसकी देखा देखी ऐसा ही करेगी। मैं आज ही उसकी भाभी रमा को उसके मायके भेज दूंगी, जब उसे भी काम करना पड़ेगा और भाभी भी दिखाई नहीं देगी तब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये कहकर उन्होंने निर्मला जी से राम राम कहकर फोन रख दिया। मोनिका की मम्मी ने रमा को अपने बेटे के साथ उसके पियर भेज दिया। अगले दिन जब मोनिका की मम्मी घर में खाना बना रही थी तो मोनिका ने पूछा, मम्मी आज आप खाना क्यों बना रही हो? भाभी कहाँ गई? इस उम्र में आप इतना काम करेगी तो बीमार पड़ जाएगी। मैं अभी भाभी को बुला कर लाती हूँ। तब उसकी मम्मी बोली, रमा
आज ही अपने मायके चली गई क्या? भाभी की इतनी हिम्मत में 2 दिन के लिए मायके के आई वो अपने घर चली गई, ये भी नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद घर का काम कौन करेगा। वो ने मुझसे मेरा हाल साल भी नहीं पूछा, तो क्या वह इतनी लापरवाह और घमंडी हो गई है? मैं अभी फोन करके भाभी को सुनाती हूँ। ये सुनकर उसकी मम्मी ने मोनिका से पूछा, बेटी ऐसे फोन पर बहू से तकरार मत कर, इसमें गलती बहू की नहीं तुम्हारी भी है, वह तो सिर्फ अब की बारी मायके गई है वह भी मेरे कहने पर, और तुम तो हमेशा ही अपनी ननन के साथ ऐसा व्यवहार करती हो, सास के यहाँ आने पर मना करने के लिए तुम उनके साथ तकरार करती हो, तो उन्हें कैसा महसूस होता होगा? कभी तुमने सोचा तुम्हारे यहाँ आने पर तुम्हारी ननन कैसा महसूस करती होगी? बेटियां ससुराल में कुछ लेने नहीं आती, बस थोड़ा सा प्यार और सामान लेने आती हैं। जब उन्हें वह भी नहीं मिलता तो वह दुखी होकर अपने ससुराल चली जाती हैं, जैसे आज तुम भाभी के न रहने से दुखी हो गई। मम्मी की बात सुनकर मोनिका की आंखें खुल गई थी। अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हुए वह अपनी मम्मी से बोली, मम्मी जी माफ़ कर दो मुझे, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। अपनी ननन के आने पर उनका पूरा सम्मान करूँगी और उनके खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखूंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अभी अपने घर जा रही हूँ। मोनिका की बात सुनकर उसकी मम्मी ने उसे प्यार से आशीर्वाद देते हुए खुशी खुशी उसके ससुराल विदा कर दिया था। उनकी सूझबूझ से ननन और भावज के रिश्ते में दरार आने से बस गई थी।